दोस्तों ये देखिए, आज हमारे घर में कबूतर घुस गया है सुबह सुबह। ये देखिए, ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ सीलिंग पर घुस चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसे निकालेंगे हम लोग। या मैंने देखिए यहाँ ये खिड़की मैंने खोल दी है ताकि ये खुद ही निकल जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये कब तक निकलता है। और ये कैंडी बहुत परेशान है आज कि ये क्यों घुस गया अंदर। कैंडी, इसको भगाया नहीं तूने? भगा इसको। और आहना भी अभी स्कूल की तैयारी में है दोस्तों, अभी ये जाएगी स्कूल की तैयारी में, इसकी मम्मा इसकी अभी तैयार करेगी। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं और ये कब तक यहाँ से निकलता है। तो जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा दोस्तों, ये डर गया है बेचारा, तो मैंने इसे छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहा हूँ ताकि ये खुद ही निकल जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसा देखते हैं ये कब तक यहाँ से निकलता है। तो चलिए देखते हैं, इसका करते हैं इंतजार दोस्तों। कैंडी तू क्या कर रही है, हैं? चल जा बेटा तैयार हो जल्दी करते। तू क्या कर रही है, हैं? क्या कर रही है तू? ये क्या गंदी बात है, ये क्यों ले लिया? हाँ, इसकी इरेजर क्यों ले ली तूने? फेंक इसको उधर, चल दे के इसको, कह गुगु को दे दे, दे गुगु को दे दे, दे 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 दे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, फिर मैं मारूंगा तेरे को, फिर छोड़ दे, नहीं तो फिर दे दे, मैं फिर दे देती नहीं है गंदी। ये दोस्तों इसने आहना की इरेजर ले ली है और ये दे नहीं रही है इसको। इरेजर दे दे, ये तो खा जाएगी दोस्तों ये पूरी। बस इसका यही काम है कि जब भी इसका दिल करता है तब ये कुछ ना कुछ उठा के यहाँ से खा लेती है। चलो ठीक है, बाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि हमारे घर में कबूतर घुस गया था, तो अब दोस्तों वो निकल चुका है। तो और आहना भी अब स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं 8:30 बजे से स्कूल छोड़ने जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्कूल और देखते हैं कि कैसे आज पूरा दिन आहना स्पेंड करती है। तो चलिए देखिए, आहना स्कूल के लिए रेडी। ओ कैंडी तू क्या कर रही है, मेरे को तंग क्यों कर रही है? आहना देखिए स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है दोस्तों। और ये इधर कैंडी, ये देखिए कैंडी कैसे बस ये बॉटल डाल के बस ये खेलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आहना का बैग भी तैयार हो चुका है, अब आहना भी रेडी है। तो आज क्या क्या पढ़ोगी? ये देखिए दोस्तों, ये कैंडी इसको बोल रही है खेलने के लिए, फेंक दे इसको। कहाँ गई गुग्गू? कैंडी गुग्गू कहाँ है? वे गुग्गू चली गई, कहाँ है कैंडी गुग्गू? ये दोस्तों गुग्गू को ढूंढ रही है, यानी आहना को ढूंढ रही है। अब तो इसको पता है तू कहाँ छुपी है, बार बार एक ही जगह थोड़ी पे छुपते हैं। और दोस्तों ये जो आप यहाँ सामान देख रहे हैं, ये हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं यानी मकान मालिक हैं, ये उनका सामान है दोस्तों। ये एक एक्चुअली हमारे यहाँ एक त्योहार होता है नवरात्रों में, हनुमान जी की पूजा होती है। तो बेटा इसको उठा दे, तो उस लिए ये तैयार होते हैं दोस्तों। ये भी आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे डेली, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे देखने के लिए दोस्तों इससे रिलेटेड। तो चलिए, हाँ ये तो ऐसे बनाते हैं बेटा, अच्छे अच्छे बनते हैं ये। दोस्तों आज हमारे घर का ये पंखा जो है वो बंद हो चुका है, तो इसीलिए मैंने ये भाई साहब को बुलाया है, जरा ये पंखा ठीक करेंगे।
तो ये भी यहाँ से इन्होंने चेक कर लिया है सारा, तो भी ये ऊपर देखेंगे इसकी कहीं कोई वायरिंग तो नहीं लूज हो गई है। जैसे दोस्तों आपने सुबह भी देखा था, सुबह भी हमारे घर में एक कबूतर आ गया था, तो अब ये करेंगे अपनी सेटिंग। तो चलिए दोस्तों जब तक ये फैन ठीक करते हैं हम लोग कर लेते हैं कोई और काम। तो दोस्तों ये पंखा खराब हो चुका है, तो ये जो भाई साहब है मैकेनिक हैं, ये इसको लेके जाएंगे और पूरा बाइंड करके लाएंगे, दोबारा इसको सेट करेंगे ये पूरी तरह से। तो दोस्तों हमें एक दो दिन शायद बिना पंखे के ही रहना पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, ये लॉबी का ही है दोस्तों। सर कितने दिन लगेंगे इसको? अपा जी कितने दिन लगेंगे इन पंखे? चार दिन। अच्छा, क्या फॉल्ट पे है इससे? इसकी मोटर सड़ी। मोटर सड़ी, ठीक है। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पंजाब से हैं, अमृतसर पंजाब से, तो यहाँ ज्यादातर पंजाबी में बात करते हैं। तो ये भाई साहब भी इसी बारे में बता रहे हैं कि इस पंखे को ठीक होने के लिए दोस्तों 4 दिन लगेंगे कम से कम। तो इसकी ये मोटर सड़ चुकी है अंदर से, सॉरी इसकी बाइंडिंग सड़ चुकी है। तो इसकी हालत की पंखे की आप देख लीजिए, बहुत खराब पंखा है। चलिए दोस्तों अब जब ये पंखा लेके आएंगे तब हम इसको लगाएंगे, एक ब्लॉग और बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कबूतर अभी तक निकला नहीं है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ सीलिंग पर बैठ गया है, ये पता नहीं क्या देख रहा है दोस्तों, शायद इसे कुछ चाहिए। ये अभी तक निकला नहीं है यहाँ से, तो अब इसे निकालूंगा दोस्तों थोड़ी देर में। मैं सोच रहा हूँ ये खुद ही निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, दरवाज़ा खुला है, तो ये अब थोड़ी देर में मैं इसे निकालूंगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो ये आज आहना की फ्रेंड्स आई हैं। ये क्या खा रहे हो तुम? क्या खा रहे हो? भेलपुरी। भेलपुरी, ओके। आपका क्या नाम है? जोर से बोलो। वेरी गुड। तुम्हारा? जोर से बोलो बेटा। पीहू। तुम्हारा? वंशिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप थर्ड में, और वेरी गुड। ये आज दोस्तों भेलपुरी खा रहे हैं यहाँ, तो चलिए खाइए, सब खाओ। खा लो, कोई बात नहीं। ओके, टेस्टी है? Yes. चलो ठीक है तब तो। और कैंडी कहाँ गई? देखो दोस्तों कैंडी भी नहीं देख रही, ये कैंडी कि मुझे भी खिलाओ। ये है नीचे, अजी भाजी आ जा। ये है दोस्तों भेलपुरी वाले भैया, और ये हमारे भाई साहब हैं, हमारे लैंडलॉर्ड हैं दोस्तों। तुम्हें भी डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है? देखना बड़ा सब, ठीक है? चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।